जहाँ एक तरफ 14 फरवरी को पूरा विश्व वैलेंटाइन डे के रूप में मनाता है, वहीं भारत में इस दिन को काला दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। मैं राणा सिंह, आप देख रहे हैं द एटीआई, और हम बात कर रहे हैं उस दिन की 14 फरवरी 2019 को जब पुलवामा अटैक हुआ था भारत में। भारत के लगभग 40 जवानों की शहादत हुई थी। ये अटैक आतंकवादियों के द्वारा पहले से पैठ बनाकर किया गया था। इस अटैक में जिन शहीदों के प्राण गए हैं या जिनकी शहादत हुई है, उनके लिए 4 लाइन हमारे मित्र विशाल चौबे अज्ञात जी ने आपके लिए लिखा है, और इसको बहुत गौर से सुनिए। जय हिंद। कितने भी तल्लीन रहो, कितने भी मगरूर रहो, आंसू आंखों से निकले या ना निकले, अंतर मन में बहा लेना। किया था वादा जो उनकी शहादत पर, उसको तुम निभा देना। देश आज भी उन्हें याद करता है, उनकी शौर्य की बात करता है, उनके शहादत के संस्मरण को एक बलिदानी गीत बना देना। देश प्रेम की अमर गाथा को दिल से चुबा तक ला देना। प्रेम उनका अद्वितीय था, उनकी रूह को महसूस करा देना। ईश्वर जाने उनकी महबूब आज कैसे रहती होगी, तस्वीरों से आंसू संग रो रो कर बातें किया करती होगी। तुम तो लिपटोगे आज दुपट्टाए सनम में, सोचो उनकी हालत क्या होगी जिनका प्यार लिपट गया 3 रंगों के कफन में। उस दिल का मर्म स्वयं को महसूस करा देना। एक गुलाब घर प्यार को देना, दूसरा उनके महबूब वतन को चढ़ा देना। पुलवामा के शहीदों को तुम यूं ही ना भुला देना। एक गुलाब कर प्यार को देना, दूसरा उनके महबूब वतन को चढ़ा देना। विशाल चौबे, जौनपुर, उत्तर प्रदेश।